और इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता भी मेरे पास है। क्या? तुम मुझे छोड़ दो। अपना बच्चा हो तो डांट कर, फटकार कर, प्यार से या किसी भी तरह से उसे समझा सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारी में किसी को कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। पुनः सिमरन घर पे नहीं मिल रही है। घर पर नहीं है? जी। तो फोन करना उसको। फोन किया था मैंने, पर फोन भी ऑफ जा रहा है। प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सारा मामला हैंडल हो जाएगा। जिंदल साहब, असल में RTI के बाद इसमें कुछ भी करने की गुंजाइश खत्म हो गई। हाउ डज इट मैटर, वैसे भी ये सारे मामले इंटरनली हैंडल किए जाते हैं। लेकिन बात जब पब्लिक तक आ जाए तो इंटरनली हैंडल करना जरा मुश्किल हो जाता है। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आई विल हैंडल दैट। आप सिर्फ इतना पता करके बताइए कि इंक्वायरी कमेटी में बैठ कौन कौन रहा है। लेकिन वो भी कहां से पता चलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, आई विल हैंडल इट। आप प्लीज रिलैक्स करें। विलन साहब का फोन। हेलो विलन जी। जी जिंदल साहब, वाहेगुरु का शुक्र है जी, सिमी घर पहुंच गई है। थैंक गॉड। लेकिन चली कहां गई थी? कहीं नहीं सर, वो पड़ोस में ही गई हुई थी। चलिए तो अब आप भी घर पहुंचिए, भाभी परेशान हो रही होंगी। हाँ जी जी, मैंने सोचा एक बार आपको बता दूं, आप भी परेशान हो रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा किया आप। ओके बाय। हाँ जी जी, ओके ओके सर। जी सर। क्या हुआ था जिंदल साहब? क्या प्रॉब्लम है कोई? हम सब किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर ही रहे हैं। नहीं लेकिन टिंडन साहब के साथ क्या हुआ? उनकी डॉटर का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 2 लोग सीरियसली इंजर हो गए। क्या? लेकिन हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। कौन बताएगा? टिंडन साहब को ही तो बताना चाहिए था। कुलकर्णी साहब, मुझे लगता है कि हम सिर्फ कहने को ही दोस्त हैं। कोई किसी से अपनी बात नहीं कहता, और अगर कहना चाहे भी तो फुर्सत नहीं होती। नहीं 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 जिंदल साहब, ऐसी बात नहीं है। क्या मैंने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की? कितने दिनों के बाद? ढिल्लन साहब की बेटी का एक्सीडेंट हुआ, काफी दिन पहले, पेपर तक में आ गया था। क्या? यस। लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाया कि वो हमारे दोस्त की बेटी है। ये तो रिश्ता है। हम सिर्फ कहकर खुश हैं कि हम दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती के पैमाने पर सब फेल। अपनी जिंदगी के दायरों को खोलना पड़ेगा हमें, वरना दोस्त कहलाने का हक एक दूसरे से हम ही छीन लेंगे। हम प्लीज स्टॉप क्राइंग, अब मेरी बात तो सुनो। मैं तेरे नाल गल ही नहीं करनी है। आई विल नॉट टॉक टू यू। मॉम आई एम सॉरी। सॉरी क्या? तू मुझे एक फोन नहीं कर सकती थी कि तू अपनी के यहाँ गई है? पता है कितनी टेंशन हो रही थी, पर यू तो डोंट नॉट केयर ना। वो नेटवर्क प्रॉब्लम था। नेटवर्क प्रॉब्लम? ये नेटवर्क प्रॉब्लम ना सिर्फ पेरेंट्स को फोन करने के टाइम पर ही आता है। जब फ्रेंड्स को फोन करना हो ना, नेटवर्क अपने आप ही फुल हो जाता है ना? ऐसा नहीं है मॉम। ऐसा नहीं है तो कैसा है? पता है कैसे कैसे वियर्ड ख्याल आ रहे थे मुझे। आप मेरी इतनी टेंशन क्यों लेते हो? आई कैन हैंडल माई सेल्फ। हैंडल योर सेल्फ? वो तो मुझे दिख ही रहा है सिमी। ओके फाइन, नेक्स्ट टाइम से आपको बिना इन्फॉर्म किए कहीं नहीं जाऊंगी। ओके? अब आप रोना बंद करोगे? सिमी तुम नहीं समझ सकती है व्हाट वी वर गोइंग थ्रू जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था। सिमी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद भी तेरा दिल नहीं भरा? मैंने अपनी गलती के लिए सॉरी बोला तो है। बहुत बड़ा एहसान किया है साडे ते। अब तो तेरे माँ बाप का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि 24 घंटे में सड़कों पे ढूंढते फिरे कि हमारी सिमी कहाँ है।
और तू कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट यू कैन गिव अ कॉल ना या नहीं? सुनो जी, रहन दो, इतना गुस्सा ना करो। ये तो डोंट कट मी इन बिटवीन। रहन तो बच्ची है ना? बच्ची है? वो कमाल की बच्ची है, ऐसी बच्ची से तो बच्ची ना होना अच्छा है। ऐसी बात करता है क्या कोई अपनी बच्ची से? बच्ची हमारा जीना हराम कर दे, लेकिन ना हम बेटी को कुछ नहीं कह सकते। बच्ची है, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है इस उम्र में, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुसे इस तरह से बिहेव करोगे। हाँ, वो इमैच्योर है, तुसे तो मैच्योर हो ना। ये तो जो ये बात बात पे तो उसको बचा लेती है ना, इस वजह से आज दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं कितना है? और तूने ही बिगाड़ा है उसको, उसकी हर बात को मान लेना, उसकी हर गलत जिद को सपोर्ट करना, और तेरे इस फ्रीडम देने के चक्कर में ना आज हमारी सिम्मी हमारे हाथ से निकल गई है। देखो जी, तुसी ना हुन। और प्रीतो, मैंने बहुत देख लिया और सुन लिया, अब तू मेरी गल सुन। और सिम्मी को चंगी तरह बोल देना, आज से इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। अगर मैंने बोल दिया नो, तो इट मींस नो। ये तो प्लीज। वैसे एक बात है, कहने के लिए हम एक दूसरे के दोस्त हैं, सिर्फ कहने के लिए, लेकिन हमारे रिलेशंस अब तक बहुत फॉर्मल है। ऐसा नहीं है जिंदल साहब, ऐसा नहीं है, फॉर्मल नहीं, हम लोग एक दूसरे के लिए आपस में कंसिडरेट हैं। डॉक्टर साहब, कंसिडरेट होने का मतलब क्या है? सामने वाले का ख्याल रखना। हम लोग आपस में बातें शेयर न करके एक दूसरे को हर्ट नहीं करते। लेकिन जिंदल साहब, कभी कभी सामने वाले की ज्यादा परवाह करना पराया अपन जाहिर कर जाता है। तो आप ये बात मान रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी अपने दोस्तों की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए। माफी मांगना और माफ कर देना, इन दोनों की दोस्ती में कोई जगह नहीं। चलिए, फाइनली आपने इस बहाने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि हम दोस्त हैं। कहीं ना कहीं प्रोफेसरी काम आ ही जाती है आपकी। आप भी जिंदल साहब। अरे जिंदल साहब, आपसे एक बात पूछना भूल गया मैं। हाँ कहिए। आपने घर पर मिठाई भेजी थी और कहा था कि विजय मिलने पर बताऊंगा, क्या था क्या वो? जी, एक्चुअली मुझे भी पूछना था। वो बताऊंगा कल, फिलहाल हम लोग डिलन साहब के घर चले। जिंदल साहब बता दीजिए ना अभी। बात तो वो इतनी अच्छी है कि सब लोग साथ होंगे तभी बताना बेहतर होगा। अब ये कहकर आपने हमारी ईगरनेस बढ़ा दी है, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, प्लीज बताइए। चलिए तो बता ही देता हूं। बात ये है कि मेरी बेटी आराधिता घर आ गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ है वो? वो है तो अपने घर में, लेकिन यहाँ आई थी अपने हस्बैंड के साथ। जिंदल साहब, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब हमसे कब मिलवा रहे हैं? वही तो मिलके तय करना है। वो सब हम तय करेंगे, उसके लिए बड़ी पार्टी होगी। यस यस, हम एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। अरे भाई, पार्टी तो मुझे देनी चाहिए, ये हक आप मुझसे क्यों छीन रहे हैं? बस कह दिया ना आपने, आपके हिस्से की पार्टी क्या हम नहीं दे सकते? दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। तो बस ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि यूनिवर्सिटी का मसला मैं आप पर छोड़ दूं, उसी तरह ये मसला आप हम पर छोड़ दीजिए बस। ऑलराइट, डन। अब हम ढिल्लन साहब के यहाँ चले। हाँ हाँ, चलिए चलिए, आइए। आओ आओ आओ, मेरे साथ आओ। क्या हुआ? आओ तो सही, मेरे साथ आओ, इधर आओ, तशरीफ लाओ। अरे बाबू, तुम तो ऐसे घबरा रही हो कि जैसे मैं तुम्हें कहीं से भगा के लाया हूँ। मुझे पता है ना, क्योंकि कि आप मुझे ये गाना वाना सुनाओगे जो मुझे नहीं सुनना। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। गाना सुना रहा हूँ कोई मैं तुम्हें?
जहर तो नहीं पिला रहा ना यार। हाँ लेकिन मुझे नहीं सुनना है आपका गाना, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो बात तो सुनो, जरा यहाँ बैठो तो सही। कुछ खा पी लिया है क्या? हाँ मैंने कॉफी पी है, मिठाई खाई है। हाँ कुछ तो ने ना खाया पान, पीक निकली तो निकल गई जान। हाँ? है क्या, पुश्तों ने कभी मिठाई नहीं खाई, कॉफी नहीं पी, जो इतने में ही आप दिमाग खराब करके आ गए। अरे यार जब मेरा दिमाग ठिकाने पर होता है ना तो तुम्हारा खिसक जाता है। अरे बैठो और सुनो। मुझे कुछ नहीं सुना, खाना बनाना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे खाना दिमाग खराब में तो तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बैठ जाओ। मुझे आपके इस पागलपन में हिस्सेदारी नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। ज़रीना तुम्हें मेरी कसम, बैठ जाओ। बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई। कसम से ये बात तो पक्की है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मरने नहीं दोगी कसम से। चुप रहो, ये फालतू बातों के लिए कसमें उसमें ना दिया करो। अरे बेगम ये फालतू बातें नहीं है, काम की बात है। सुनो जो मैं गाऊं तुम्हें वो दोहराना है। क्या ये सब मुझसे नहीं होगा? अरे कैसे नहीं होगा, तुम्हारे तो फरिश्तों से भी होगा। हाँ तो बुला लीजिए फरिश्तों को। अरे भाई वो तुम्हारे इधर उधर ही बैठे हुए हैं, तुम तो गाना शुरू करो, गाओ गाओ गाओ। देखो ये देखो सुना, ए ए ए ए। अब नोटों की बारिश, अब नोटों की बारिश, अब नोटों 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 की बारिश, नोटों की बारिश, अब नोटों की बारिश, अब नोटों की बारिश। हाँ, होगी इस घर में और होगी इस घर में, होगी इस घर में और नहीं और 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 और। अरे बाबा और नहीं और। अब मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे ज़रीना बात तो सुनो यार। मुझे नहीं गाना वाना गाना है। अच्छा मत गाओ मत गाओ, ये तो लेती जाओ। ये क्या है? अरे देखो देखो। तो इसके लिए गाए जा रहे थे गीत, कितने हैं? अरे यार गिनो मत, खर्च करो बस। गिनोगी तो मजा भी नहीं आएगा और पैसे भी खर्च हो जाएंगे, और बिना गिने खर्च करोगी तो मजा भी आएगा और पैसे भी आ जाएंगे। कुछ तो गलत जरूर खा लिया आपने पक्का। चलो यूं ही समझ लो भाई, ऊपर वाला रोज ऐसा कुछ खिलाए जिससे कि तुम्हारे इस चेहरे पर मुस्कान तो आए। बढ़िया। अरे लेकिन सुनो तो सही, तुम कह रही थी ना कि अब इस घर में मिठाई नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं, इन पैसों से मैं आपके लिए मिठाई नहीं लाने वाली हूँ। अरे इन पैसों से लाने के लिए कौन कह रहा है डार्लिंग, ये देखो डार्लिंग पूरी 1 किलो है। हाँ 1 किलो तो है, और आपका 2.5 किलो वजन बढ़ाएगी, ठूसते रहते हैं। अरे ज़रीना एक टुकड़ा तो देती जाओ। बिल्कुल नहीं, नाश्ते में मिलेगी कल। कल अब नोटों की बारिश होगी इस घर में और अब नोटों की बारिश होगी इस घर में और। विशु रावी विशु, क्या करेंगे डॉक्टर साहब? रावी, अरे आप आइए तो सही, बात करते हैं। चलिए सोमेश, मैं विशु और रावी को लेके अपने घर जा रही हूँ। अब तुम आराम से अपनी जिंदगी जिसके साथ चाहो जी सकते हो। मैं और बच्चे तुम्हारी खुशियों के बीच नहीं आएंगे, अपना ख्याल रखना ऋतु। दस दिन की गणना
मैंने और सिमी ने ना डिसाइड कर लिया है दैट वी आर गोइंग टू वैंकूवर फॉर फ्यू डेज. मतलब बेटा, तुम यहाँ कब से बैठे हो? Just about 10 minutes, ma. I was waiting कि आपकी ये पूजा फिनिश हो जाए. पूजा नहीं, ध्यान कर रही थी. हाँ बोलो, क्या बात है? एक खुशखबरी देनी थी आपको. क्या? मैंने हम दोनों की मुंबई की टिकट्स बुक कर ली. अरे वाह, you won't believe. मैं भी भगवान से यही कह रही थी कि कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि मैं जल्दी से अपनी आराधिता के पास पहुंच जाऊं. Well, that's awesome, ma. भगवान ने एडवांस में आपकी दुआ सुन ली. सच में? अच्छा, मैं आराधिता को फोन कर देती हूँ. अरे इंडिया में रात होगी, कहीं वो लोग सो ना जाए. Hold on, hold on, ma. आप कर लेना बात पहले. मुझे आपसे एक बात करनी है. हाँ बोलो. हम लोग इंडिया में जाके कहाँ रहेंगे? कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ रहेंगे? अपने घर में और कहाँ? वेल मैम, इन दैट केस आप चाहें तो वहाँ रुक सकती हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं रुक पाऊंगा. रोहित, व्हाट डू यू मीन? तुम अपने डैड के घर में नहीं रहोगे तो फिर कहाँ रहोगे? दैट्स व्हाट आई डोंट नो. आई हैव टू थिंक. रोहित प्लीज, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बेटा, अरे अपनों से इतनी ईगो नहीं रखनी चाहिए. इट्स नॉट ईगो मां. अब इतने सालों से बातचीत भी बंद है, अचानक मैं बेशर्मों की तरह घर पहुंचा हूं. आई कैन डू दैट. बेटा, ही इज योर डैड. और आराधिता भी तो गई, उसने माफी मांगी और तुम्हारे डैड ने उसे माफ कर दिया. बट मैं किस बात का सॉरी बोलूं मां? मेरी तो कोई गलती भी नहीं है. बेटा, मैं सॉरी बोलने को कहां कह रही हूं. You just have to come with me, that's all. नहीं माँ, I can't do that. Please बेटा, मैं कौन सा उनके साथ रही उस घटना के बाद. और ये तो लाइफ है, जिंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं. इनकी वजह से रिश्ते तो नहीं खत्म हो जाते ना बेटा. After all, he is my husband and your father. I understand that, ma, but that is your point of view. मेरे point of view से भी कभी सोचो बेटा. चलो ठीक है माँ, we'll cross the bridge when we get there. बाद में सोचेंगे इस बारे में. But please बेटा तुम. माँ, बाद में बात करते हैं इस बारे में. I'm getting late, कहीं पहुँचना है मुझे. आप तैयारी शुरू कर लो, हम लोग बाद में मिलते हैं. Bye. क्या होया? अब कुछ डिस्कस करना था. ज्यादा लंबा डिस्कशन है? लंबा तो नहीं है पर इम्पोर्टेंट है. दस दे फिर, क्या कहना है? मैंने और सिमी ने ना डिसाइड कर लिया है दैट वी आर गोइंग टू वैंकूवर फॉर फ्यू डेज. मतलब थोड़ा सा चेंज चाहिए, नहीं तो यहाँ पर तो माहौल बहुत अजीब सा है. प्रॉब्लम है तो फिर मैं क्या करूं? करना क्या है, जितनी जल्दी हो सके टिकट करा दो साड़ी. ऐसे क्या देख रहे हो, सोच क्या रहे हो इतना? तो सोच रहा हूँ कि why are you like this? I have always been like this. अब क्या हुआ है? तो you cannot run away like this. Where am I running? हम
भाग नहीं रहे हैं, बस यहाँ ना बहुत ज्यादा सफोकेशन हो गई है ऐसे करके बस। व्हाटएवर इट इज, जितना मर्जी सफोकेशन हो जाए पर रहना ऐसे ही पड़ेगा। पर क्यों, एक ही गल हुई, वी वोंट चेंज। रितो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ते नदानी वाली गल्ला ना कर, तो वैंकोर शैंकोर दा ट्रिप अपने दिमाग तो बिल्कुल कट दे। पर क्यों जी? रितो, उस सिचुएशन से भाग जाना कोई सॉल्यूशन है? छोड़ो जी, मैनू तो ना बस यही सॉल्यूशन दिख रहा है। सिमी नीड्स चेंज। सिमी को चेंज की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों का एहसास करने की जरूरत है। शी नीड्स टू रियलाइज हर मिस्टेक। शी इज रियलाइजिंग। आप नहीं समझ रहे हो। तो प्लीज बहस मत कर, कोई कहीं नहीं जा सकता। पर क्यों, चेंज नहीं चाहिए सिमी को? चेंज, चेंज तो उसकी लाइफ हो ही गई है ना इस एक्सीडेंट के बाद। इसीलिए तो मैं भी कह रही हूँ, आने दो उसको एक बार, शी वुड बी फाइन आफ्टर दैट। ये तो गलत सुन, और जब कोई केस हो जाता है ना तो उसमें इन्वॉल्व बंदा किथे नहीं जा सकता। क्या? बिल्कुल, और फौरन फौरन तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि केस का फैसला ना आ जाए। हाय रब्बा, ते फिर? और फिर की, और तू अपने आप नू समझा ते नाल अपनी कुड़ी नू। इस वेले कौन आया होना? बुआ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना। बुआ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मतलब? काम कर, तू अंदर जा, मैं देखता हूं। किलन साहब नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। और डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया सर, और मजा आ गया आपको इकट्ठे देख के। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। ओ जी, सरप्राइज है इस बात में तो कोई शक नहीं, लेकिन प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर, हमारा दिल तो खुला हुआ है, जो अंदर है वो ही बाहर है। डिलन साहब, ज्यादा परेशान मत होइए, हम तो बस यहाँ डिनर करने आए हैं, डिनर करके चले जाएंगे। बहुत दिनों से सोच रहे थे आपके घर जाकर खाना खाएं, तो आज संजोग बन ही गया। कोई टेंशन तो नहीं है ना? जी टेंशन का है कि, तो ये तो मेरे लिए कुछ किस्मती की वाली बात है कि आज आप मेरे घर पर आ रहे हो। आओ जी, आओ, प्लीज आओ। शुक्रिया। जी 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 जी। दिलन साहब का घर तो बड़ा अच्छा है। जी बहुत अच्छा। बुआ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना। बुआ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मतलब? मतलब मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। ये कैसे दोस्त है, डिनर करके जाएंगे, उन्हें पता नहीं है साढ़े घर से की प्रॉब्लम चल रही है। अगर हमारी अपनी बेटी के साथ वो हुआ होता जो तुम्हारे साथ हुआ, तो हम क्या उसको हॉस्टल भेज देते? तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए अब चलो हमारे साथ डिनर करो। पता है, तुम्हारी जैसी बीवियों की वजह से आदमी बाहर की औरतों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं।